बिहार में बाल विवाह पर बनी फिल्म झुमरी जीएफपी मिनी थिएटर चैनल पर रिलीज हो रही है, जिसके निर्माता कामनी वर्मा, इस फिल्म का निर्देशन गौरव गिरी द्वारा किया गया। ये फिल्म गोस्वामी फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत रिलीज की जा रही, जहां फिल्म के सभी मुख्य कलाकार मूल रूप से बिहार के हैं, जिसमें आदित्य राज, आकृति वर्मा, माहिराज, पिंकी सिंह, सतीश सहनी, मल्लिक मुस्तफा, जयप्रकाश गिरी, अवनीश महादेव, अभिषेक जाटव, सुमित सिंह, केवल मिश्रा सहित अन्य कई कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं डॉक्टर अर्चना सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और यह झुमरी फिल्म है वो बहुत ही पारिवारिक, बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक पिक्चर है। और इस फिल्म की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो हमारे आसपास के माहौल से ही ली गई है। चूँकि हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम तो अपने बच्चों की शादी विवाह उनके मैच्योर होने पर ही हम लोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ काम वाली बाई हैं या गांव में जो महिलाएं हैं, तो वो अपने बच्चियों की जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी अपने सर से एक बोझ की तरह समझती हैं। उस बोझ को हटाने के लिए वो बहुत जल्द अपने बच्चों की शादी ऐसे उम्र में कर देती हैं जो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होती हैं। तो हमारे फिल्म के द्वारा उन सभी माताओं को, महिलाओं को ये जागरूक करने के लिए, ये पटकथा जो फिल्म बनाया गया है वो जागरूक करने के लिए कि आप लोग सभी माताएं बहनें कम से कम इस फिल्म को देखें और इस चीज़ को समझें कि हमारी बच्चियों की शादी एक समय पे अगर करते हैं तो उनका जीवन, उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। और किस तरह का फिल्म जी, सबसे पहले आपके जो भी दर्शकगण हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है गौरव गिरी की तरफ से। और आज जो ओकेज़न हम लोग एक सेलिब्रेट कर रहे हैं झुमरी फिल्म का, और ये फिल्म बहुत अच्छी है, एक सामाजिक फिल्म है और सामाजिक मुद्दे पे हम फिल्म बनाए हैं। और शायद अगर 1% लोग अगर फिल्म देख के अगर सुधर जाते हैं तो शायद हम लोग का फिल्म बनाना सक्सेस हो जाएगा। किस तरह का फिल्म है ये फिल्म है एक बाल विवाह पे। बाल विवाह पे जैसे कि आज भी बहुत, जैसे गांव में आपको देखा जाता है कि बाल विवाह लोग कर देता है, कम उम्र के बच्चों को शादी कर दिया जाता है लड़कों लड़की का। तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, जैसे जब प्रेगनेंसी के समय परेशानियां आती है, बहुत जो माँ बच्चे जन्म देने के बाद मर जाती हैं उसके बाद क्या दिक्कत उस बच्चे के साथ होता है, ये सब चीज़ें हैं। और बाल विवाह जो है एक कोड है बिहार में, और बिहार क्या पूरे इंडिया का एक तरफ से कोड है, तो उसको हटाना है जैसे, और सामाजिक चीज़ है। और सब लोगों से गुजारिश है गौरव गिरी की जो फिल्म है झुमरी और हमारी टीम जो जीएफपी टीम बनाई है, सबको देखिए और प्यार सपोर्ट दीजिए। कैसे मिले इस फिल्म बनाने का? बहुत से जगह पर मैंने देखा हुआ है, क्योंकि हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं और गाँव में हम लोग देखते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोगों का शादी विवाह अभी हाल फिलहाल हुआ, लेकिन हमसे जो गांव के जो बच्चे हैं उन लोगों का जल्दी शादी हो जाता है, समय से पहले शादी हो जाता है। और बहुत जगह क्या होता है कि बच्चे जब प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होते हैं कि मेरा नमस्ते। और इस फिल्म में मैंने झुमरी का किरदार निभाया है, वो करीब मतलब कि नाबालिग है। और इससे प्रेरणा ये मिलती है कि कम उम्र में आप अपनी बच्चियों की अगर शादी करते हो तो आफ्टर शादी उसको बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिससे वो जूझती है, ना ही फिर उसके कोई फैमिली भी सपोर्ट नहीं करता उस टाइम पे। तो मेरे को लगता है कि अगर आप ये फिल्म देखते हो तो लोग इससे कुछ सीखेंगे, जिससे वो मतलब कि इन फ्यूचर। मैं इसमें एक ऐसे पिता का रोल निभाया हूँ जिसकी बच्ची के साथ कम उम्र में शादी हो रही है। मेरी शादी हुई थी कम उम्र में, तो बच्ची का जन्म देते माँ एक्सपायर कर जाती है। तो ये सब कुरीतियाँ जो समाज में चल रही है, ये सिनेमा देख के बहुत लोग इसको सुधार करेंगे, यही सोच हम लोग का है। मेरे पूरे टीम का सोच है कि समाज के कुरीति का सुधार हो, इसलिए हम लोग ये मूवी बनाए हैं। और उसमें एक पिता कैरेक्टर निभाया हूँ मैं। पहली बार कलाकारी निभाए हैं या पहले भी? ना, पहले भी किए हैं बहुत सारे काम, कॉमेडी वगैरह में, छोटा छोटा मूवी वगैरह में। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल, एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, लिस्टेड इन WHO।